वाली चड़ेल को ये चैलेंज है राणा सनावला को, वो बाप का है तो अपनी पुलिस यहाँ पे भेजे, इसलिए हम कड़ियां भी हाथ से लेके आए हैं, उनको बस चाबी देनी है हमने और ले जाओ, क्योंकि पुलिस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने हमारे पीटीआई के वर्करों को ऐसे हाथ कड़ियां खरीद के डाल सके, हम अपनी लेके आए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब आवाम का जज्बा चेक कर ले, ये जो पीडीएम प्रोपेगेंडे कर रही है, अवाम इस टाइम खान साहब के साथ खड़ी है। देखिए, हर चैनल के ऊपर ये डरा रहे हैं, जो बंदा गिरफ्तारी देगा वो कभी बाहर के मुल्क नहीं जा सकता। हम सिर्फ बाहर के मुल्क तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं खान साहब, उसके साथ खड़े हैं। हमें कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, ये कोई नून लीग के लीडर नहीं है। थोड़ी सी दर्द हुई और भागे गए लंदन इलाज कराने के लिए। हमारा जीना भी पाकिस्तान के अंदर है, हमारा मंडा भी पाकिस्तान के अंदर करा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान फखर अब्बास, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी मैं चेरिंग क्रॉस चौक में मौजूद हूँ, मार रोड, आप देख सकते हैं पीछे एक असेंबली है, पुरानी बिल्डिंग है, इसके पीछे नई बिल्डिंग है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कंटेनर भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बैनर भी लगे हुए हैं, आवाम यहाँ पे पहुंच चुके खुद की गिरफ्तारी देने के लिए। आज जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल लाहौर हल्का एनए 120 की तरफ से यहाँ पे कारकुन जो है खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हथकड़ियां लगा के पहुंचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज क्या जज्बा आपका है? जज्बा ये है कि खान साहब ने रात को 200 बंदे का गिरफ्तारी का ऐलान किया है और हमने अपनी मीटिंग करके वर्करों ने हमने 2 लाख बंदा इनको जेल में देने के लिए हम तैयार हुए हैं। हमने रात की लिस्टें बनाई हैं और इंशाल्लाह वो 2 लाख बंदा आपको अभी के अभी यहाँ मिलेगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमने 2 बजे का टाइम पार्टी के वर्करों को 3 बजे का 3 बजे का टाइम है और अभी तक सीनियर क्यादत यहाँ पे नहीं पहुंची, उनके जो कारकुन है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कारकुन पहुंच गए हैं। जी, जैसा कि यहाँ पे काफी सारे आवाम मौजूद है, क्या आप गिरफ्तारी देंगे आज? अल्हम्दुलिल्लाह, हम गिरफ्तारी देंगे। हम एन 120 से मियाँ आबाद फरूक की क्यादत में आए हैं और हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं और ये मूछों वाली चड़ेल को ये चैलेंज है राणा सनावला को, वो बाप का है तो अपनी पुलिस यहाँ पे भेजे, इसलिए हम कड़ियां भी हाथ से लेके आए हैं, उनको बस चाबी देनी है हमने और ले जाओ, क्योंकि पुलिस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने हमारे पीटीआई के वर्करों को ऐसे हाथ कड़ियां खरीद के डाल सके, हम अपनी लेके आए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवाम का जज्बा चेक कर ले, ये जो पीडीएम प्रोपेगेंडे कर रही है, अवाम इस टाइम खान साहब के साथ खड़ी है। देखिए, हर चैनल के ऊपर ये डरा रहे हैं, जो बंदा गिरफ्तारी देगा वो कभी बाहर के मुल्क नहीं जा सकता। हम सिर्फ बाहर के मुल्क तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं खान साहब, उसके साथ खड़े हैं। हमें कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, ये कोई नून लीग के लीडर नहीं है। थोड़ी सी दर्द हुई और भागे गए लंदन इलाज कराने के लिए। हमारा जीना भी पाकिस्तान के अंदर है, हमारा मंडा भी पाकिस्तान के अंदर करा है। अगर आपको गिरफ्तारी देनी पड़े तो आप देंगे? सबसे पहले इंशाल्लाह मियां बाज़ फरूक हमारा जो लीडर है वो देखे ऊपर खड़ा है। इलाज आप दिखा सकते हैं कि वहाँ पे जो पीटीआई के लीडर हैं वो वहाँ पे खुद को उन्होंने, इसके बाद हम भी अपनी हथकड़ी साथ लेके आए हैं। हम अपने लीडर से अपनी गिरफ्तारी शुरू करेंगे, उसके बाद जितनी भी ये अवाम है हम सब 2000 बंदा एन 120 से भी पहुंचे हैं, सारे इंशाल्लाह गिरफ्तारी के लिए इधर पहुंचे हैं और इधर हम क्या लेने आए हैं, और कोई बंदा इनमें से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह सारी अवाम इस टाइम खान साहब के साथ खड़ी है। राणा सनावला कहते हैं कि ये जेल भरो तहरीक स्टार्ट करके देखें, खुद की गिरफ्तारियां दें, हम उनका ये हाल करेंगे कि ये खुद देखेंगे। ये सिर्फ जो राणा सनावला है ये सिर्फ टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बकरी है, उधर बैठ के बात कर सकता है। अगर इतना बड़ा लीडर है तो पब्लिक के अंदर आए, आज ये पब्लिक के अंदर आएगा, पब्लिक इनको जूतों का हार बनाएंगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ मीडिया पे बात कर सकते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। खान साहब के जो लवर हैं, इंशाल्लाह हम घर से अपनी शहादत के लिए निकले हैं, पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए इधर आए हैं और इनमें से कोई बंदा डरने वाला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। कहा कि आवाम खुद को गिरफ्तारियां देने के लिए यहाँ पे पहुंच चुकी है, आपको लम्हा बलम्हा खबर देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।